नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना आज $1,818 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, वहीं चांदी भी $22.60 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सोने चांदी के अंदर कल के मुकाबले बढ़त है, लेकिन जो कीमतें हैं वो हल्की सी करेक्शन पे हैं, बहुत ही मामूली सी, बहुत ही हल्की फुल्की सी करेक्शन कह सकते हैं इसको, उसके साथ ट्रेड करती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि पूरे दुनिया भर में, सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया भर में कोरोना के जो मामले हैं उनमें लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो एक सेफ हेवन डिमांड है, जिसे सुरक्षित निवेश मांग भी कहते हैं, अब वो धीरे धीरे उठना शुरू हो गई है। जो निवेशक हैं उनको डर है कि कहीं आगे जाके लॉकडाउन वाली स्थिति ना लग जाए, और जब हम देखते हैं जब जब लॉकडाउन लगता है तो इक्विटी मार्केट कमज़ोर रहती है, जो कारोबार हैं वो ठप पड़ जाते हैं, इसकी वजह से सोने चांदी में सेफ हेवन डिमांड निकलती नज़र आती है। इसी वजह से देख रहे हैं कि सोना आज एक बार फिर से 1818 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $83 पर है और WTI $81 पर है। देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में कल के मुकाबले आज और ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है, $80 के ऊपर ही दोनों तेल निकले हैं। कच्चे तेल में आपको बता दें कि जो इन्वेंट्रीज है उनमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं बात करें लीबिया की, तो लीबिया में कच्चे तेल का जो उत्पादन, जो ऑयल फील्ड जिसमें मरम्मत का काम चल रहा था, अब उसमें जो प्रोडक्शन है फिर से चालू हो गया है। बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि अच्छी लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, निकल 1600 के ऊपर निकला है आज। कॉपर में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो आज के कारोबारी सत्र में किस नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा और आगे जाके किस नॉन एग्री कम्युनिटी में मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मांगराम सी पर। रूपा जी, देख रहे हैं सोना 1818 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर भी $22.60 पर है, आपको क्या लगता है क्या सोने चांदी में यहाँ से अब बढ़त बननी शुरू हो चुकी है? देखिए, सोने में लगातार वही रेंज अभी भी बनी हुई है जो लगातार हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि सोना जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी फिलहाल वही रेंज है और उसी रेंज के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1820 के आसपास सोना ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि यही रेंज मेंटेन रह सकती है, नीचे में 1800 तो ऊपर में 1820। और अभी फिलहाल जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो आगे चलकर पॉजिटिव ही है। और वहीं अगर डॉलर के अंदर थोड़ी सी भी वीकनेस आती है तो सोने के अंदर एक अच्छी रैली डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम देखें तो घरेलू बाजारों के अंदर सोना 47,600 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से उम्मीद की जा सकती है कि 47,800 तक एक बार अपसाइड पकड़ सकता है। और वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो 1820-1828 मैक्सिमम एक अपसाइड देखने को मिल सकता है जी। ये सिर्फ जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में हम देख रहे हैं कि WTI की बात करें चाहे ब्रेंट की बात करें, $80 के ऊपर ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कच्चे तेल की जो डिमांड है आगे कम बताई जा रही है, कि जिस हिसाब से आप लॉकडाउन वाली परिस्थिति भारत में भी पूरी पूरी बनती नज़र आ रही है, इनफैक्ट दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी है और वर्क फ्रॉम होम पर लौट चुके हैं ज़्यादातर लोग, और दूसरा कच्चे तेल की जो इन्वेंट्रीज हैं वो थोड़ी कम बताई जा रही हैं, और लीबिया में जो क्रूड ऑयल की जो माइन है उसमें जो मरम्मत का काम चल रहा था लाइन में, वो भी उसमें प्रोडक्शन रिज्यूम हो चुका है, चालू हो चुका है, ऐसे में आपको क्या लगता है कच्चे तेल की कीमतें आगे कहां पर जाकर टिकेंगी? देखिए, अभी $82 है और $82 से लेकर $85 मैक्सिमम अपसाइड हम देख रहे हैं कि अभी भी बना रह सकता है। और कल के कंपैरिजन में देखा जाए तो आज भी कच्चे तेल में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। आज घरेलू बाजारों में हल्का लाल निशान है, लेकिन वहीं अगर विदेशी बाजारों की बात की जाए तो उसमें अभी भी कच्चा तेल $80 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीचे में जो रेंज बन रही है वो $78 है और ऊपर में $80 के आसपास फिलहाल कच्चा तेल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है जी। ये सर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देखना आज काफ़ी शानदार ट्रेड देखने को मिल रहा है,
निकल पे आपने काफी जोर दिया था, निकल में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। हम देख रहे हैं निकल 1600 के ऊपर निकल चुका है, 1606 पर ट्रेड कर रहा है। जिंक 289 पर है, नेचुरल गैस तेजी की ओर है। अगर एनर्जी सेक्टर से बात करें MCX लेड 187 पर और कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $4.46 पर है। रूपा जी आपको क्या लगता है कि ये जो बेस मेटल्स में जो अचानक से तेजी उठी है तो क्या ये आने वाले समय में भी कायम रहेगी? बिल्कुल अखिलेश, बेस मेटल में तेजी कंटिन्यूशन में ही बनी रह सकती है। मैंने हमेशा ही यही बोला है कि एक सेफर साइड देखा जाए तो बेस मेटल्स में बाइंग करके चलिए, और लगातार मैं इसी बुलेटिन में बताती आ रही हूँ कि निकल एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, निकल के अंदर बाइंग में रहना चाहिए और 1600 का स्तर कभी भी देखने को मिल सकता है। आज आप देखिए निकल 1600 के ऊपर निकल चुका है, निकल के साथ साथ जिंक में भी तेजी आई है और 290 के बेहद करीब। उम्मीद है कि जिंक भी अब यहाँ से 300 तक के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं कॉपर की बात करें तो कॉपर काफी रेंज बाउंड है, जब तक 760 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। स्टिल डाउनसाइड 720 और अपसाइड 740 के बाद 748 मैक्सिमम, और 760 तक अगर ऊपर निकलता है तब एक तेजी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल बेस मेटल काफी पॉजिटिव है, हर डिप पर इसमें बाइंग में ही रहना चाहिए और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में एक अच्छी परफॉर्मेंस बेस मेटल दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहां से निकल जो है 1620 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप आज के लिए नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर? देखिए आज नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि आज क्रूड के अंदर भी बाइंग बनी रह सकती है, क्रूड में भी बाइंग में रहा जा सकता है। क्रूड के साथ साथ बेस मेटल में निकल 1620 के टारगेट के लिए बाइंग में रहा जा सकता है, और इसी के साथ देखा जाए तो कॉपर भी 748 से लेकर 752 के टारगेट के लिए बाइंग में पोजिशन बनाई जा सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने रूपा जी से यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।